देखिए ये कार और फिर देखिए इसमें मौजूद ईवीएम। ये सरकारी कार नहीं है, ये प्रशासन की कार भी नहीं है, ये चुनाव आयोग की कार तो बिल्कुल नहीं है। इसमें ईवीएम है लेकिन सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं है और इसलिए इस कार में ईवीएम की मौजूदगी पर सवाल भी है और बवाल भी, क्योंकि ये बोलेरो किसी और की नहीं पाथरकंडी विधानसभा सीट के बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पाल की है। प्रियंका गांधी ने इस पर सवाल उठा दिया है, ट्वीट में वीडियो टैग किया और पूछा कि जब भी किसी निजी गाड़ी में ईवीएम मिलती है तो वो बीजेपी नेता की ही क्यों होती है। बवाल बढ़ा, चुनाव आयोग ने विस्तृत रिपोर्ट तलब की, डीएम से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी गई, जिसके बाद चुनाव आयोग ने पूरी घटना पर अपना पक्ष रखा। चुनाव आयोग के मुताबिक 1 अप्रैल को 6 बजे के बाद पोलिंग पार्टी पीएसओ के साथ लौट रही थी। 1 अप्रैल को मौसम खराब था, मूसलाधार बारिश हो रही थी। 9 बजे के आसपास लौटते वक्त पोलिंग पार्टी की गाड़ी खराब हो गई। भारी ट्रैफिक की वजह से पोलिंग पार्टी कॉन्वॉय से अलग हो गई। सेक्टर ऑफिसर को जानकारी दी गई। सेक्टर ऑफिसर गाड़ी का इंतजाम करते इससे पहले पोलिंग पार्टी ने मतदान किए हुए ईवीएम की वजह से जल्दी दूसरी गाड़ी का इंतजाम कर लिया। 9:20 पर पोलिंग पार्टी वहां से गुजरती एक गाड़ी पर ईवीएम के साथ सवार हो गई, जिसका नंबर था AS10B0022। पोलिंग पार्टी को ये जानकारी नहीं थी कि गाड़ी का मालिक कौन है। 10 बजे जब वो करीमगंज के कनेशील पहुंचे तो ट्रैफिक की वजह से गाड़ी धीमी हो गई। तभी लगभग 50 लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया, पत्थरबाजी की और कहा कि ये तो उम्मीदवार कृष्णेंदु पाल की गाड़ी है। चुनाव आयोग के हलफनामे में भी ये कार कृष्णेंदु पाल की ही बताई गई है, यानी इस कार के बीजेपी उम्मीदवार के होने पर कोई शक नहीं। लेकिन सवाल है कि सुरक्षा कर्मी कहाँ थे, चुनाव आयोग के अफसर कहाँ थे। बीजेपी ने इसे कांग्रेस का चुनावी स्टंट कहा है। अब चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं और सवालों के सियासी सूरमाओं के सूपड़े सूझ रहे हैं। उनको इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि जनता क्या जनादेश देने वाली है। जनता जो है वो जब जांच करती है तो उसका जो है दूध का दूध पानी का पानी कर देती है, तो इसलिए जो है वो कम्युनल बैग पर सेकुलर टैग बहुत दिन नहीं चलने वाला है। और ये एक पुराना स्वभाव रहा है कांग्रेस का, व्हेन दे आर फेस्ड विद इमिनेंट डिफीट दे स्टार्ट यूजिंग दिस काइंड ऑफ रिजल्ट, जस्ट वेट एंड वॉच एज वी ड्रॉ अहेड, एज वी मूव अहेड इन द इलेक्शन प्रोसेस, दे आर गोइंग टू मेक वन मोर एलिगेशन। आई एम मेकिंग अ प्रेडिक्शन राइट नाउ। ये भी कहेंगे कि वोट तो असल में लोगों ने कांग्रेस को डाला, लेकिन बीजेपी ने मशीन में गड़बड़ की थी तो वोट दूसरी तरफ जा रहा था। कहने का तात्पर्य यह कि दिस काइंड ऑफ जगलरी बाय देम हैज आउटलिव्ड इट्स यूटिलिटी। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से जब आज तक की रिपोर्टर ईवीएम पर सवाल पूछती रही तो वो इसे टालते नजर आए। बोलेरो में सर ईवीएम मिला है तो आप इस पे कुछ भी बोलना चाहेंगे सर? बीजेपी कैंडिडेट का है सर गाड़ी? दादा बीजेपी कैंडिडेट फिर से बीजेपी सरकार बन रहा है ये निश्चित है। नहीं पर सर ईवीएम मिला है एक प्राइवेट गाड़ी में, कोई फिर से बीजेपी सरकार बनेगा? पर सर ईवीएम मिला है गाड़ी में वो आप लोग के कैंडिडेट का है सर? पाथरकंडी कैंडिडेट कृष्णेंदु पाल का? ये तो आपका पास जानकारी सर, ये जानकारी नहीं? नहीं सर ये जानकारी तो सर सुनिए भाई, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि फिर से बीजेपी सरकार बन रहा है। सर ये बड़ा एलिगेशन है सर, लोगों का चुनाव में से भरोसा ही उठ रहा है सर। ये ऐसी घटना है जो निष्पक्ष चुनाव पर संदेह खड़ा करती है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हार के डर से बीजेपी ईवीएम चोरी पर उतर आई है। कि जब जब भाजपा हारती है तो फिर उसके पास एक ही मंत्र है, फिर वो ईवीएम की शरण में जाने की कोशिश करती है। हर बार जब भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो वो ईवीएम देवता की शरण में जाने की कोशिश करेगी। इस बार ईवीएम ने भी उसे नकार दिया है लगता है। सवाल चुनाव आयोग की साख का है, आखिर एक निजी गाड़ी और वो भी बीजेपी उम्मीदवार की कार में ईवीएम कैसे मिली। सवाल सुरक्षा का है, मतदान होने के बाद ईवीएम बिना सुरक्षा कर्मियों के कैसे छोड़ दी गई, ईवीएम छोड़कर क्यों भाग गए पोलिंग अधिकारी। सवाल लोकतंत्र में चुनाव आयोग की उस सबसे बड़ी व्यवस्था पर है जिसमें हमारा और आपका वोट ईवीएम में कैद होता है, इस विश्वास के साथ कि वो सुरक्षित रहेगा। गुवाहाटी से तनुश्री पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।